बलिया जिले में पिछले दिनों हरियाणा से चली अवैध शराब की बरामदगी में पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर एसपी बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शराब तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया है। बीते दिनों थाना हल्दी और कोतवाली आदि क्षेत्रों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। इन घटनाओं में 5 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध होने की बात प्रकाश में आई थी। बाद में 2 उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबल को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया था। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2 मामलों में जांच के आदेश भी दिए गए हैं और मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को जेल भेजा है। इसी क्रम में हमने जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं उसमें 5 पुलिसकर्मियों को हमने लाइन हाजिर किया है और कईयों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कई अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ गोपनीय जाँच करवाई जा रही है, और यदि इनमें से कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अवैध कार्यों में लिप्त होने के कारण कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।